अब इसका चौथा नंबर का लगाओ, आदित्य वाई का पेंटिंग का चौथा नंबर, ये किनारे पर बिल्कुल गोंद लगाई, यहाँ पर नहीं लगा है। चौथा नंबर ये है आपका, लगाओ, शाबाश, चौथे नंबर को बिल्कुल बराबर लगाइए, गड़बड़ नहीं। सरिता अब आपकी पेंटिंग का चौथा नंबर लगाइए, हाँ ये वाला पांचवा, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, शाबाश। अब इसको लगाइए सीधा, उल्टा नहीं घुमा के लगाओ, हाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर जरा सा भी एक चित्र भी इधर उधर हो जाएगा तो आपकी मैजिक पेंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। ये जादुई पेंटिंग का मतलब ही यही है, देख लेना इसे अच्छे से करिए। ये अब ये देखो ये हो गया ना, अब ये ऊपर जाएंगे, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऊपर कर लो पहले, फिर उसको रखना बारह। अच्छे से रखो इनको, ये सीखो, ये बराबर करके रखो, तभी तो आपके बराबर आएंगे। हाँ अब रखो, ये नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा। अब इनको ऊपर पलटा दो किनारे से, बाद में गोंद लगाना। अब ऐसे ही अब ये ऊपर जाएंगे, पहले इनको ऐसे अच्छे से मोड़ लो ना, ताकि ये देखो ये ऊपर तक जाने चाहिए। हाँ लगाइए ये, अब जादुई पेंटिंग का मज़ा आएगा, वाह वाह। फिर अब इसका कौन सा है, ये वाला है, हाँ ये वाला, हाँ अब तुम्हारा ये आएगा बाद, पहले उसका लगेगा, पहले आदित्य की पेंटिंग, फिर अब सरिता की पेंटिंग लगेगी। फूल लगा दो, लगाओ गोंद, लगाओ गोंद, ज़्यादा बना दिया आपने, फेविकोल ना वेस्ट हो जाता है, बच्चे चीज़ों को कम कम करते हैं। इब्रान समझ में आई पेंटिंग का, जादुई पेंटिंग एक बार फिर आदित्य समझा, आदित्य और सरिता समझाएंगे कैसे कर, आदित्य समझ में आ गया ना। हाँ तो मैजिक पेंटिंग आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, वेरी गुड, दिखाओ, अच्छा बनाया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना, यही तो है मजा। बनाइए बनाइए, अब आखिरी वाला, पहले किसका लगेगा, इब्रान का नहीं, पहले आदित्य का, दिखाइए तो, शाबाश। अब ये जादुई पेंटिंग थोड़ी देर में सबको दिखाई जाएगी, पीछे से बिल्कुल दबाइए, नीचे की तरफ उखड़ रहे हैं ये, देखो इब्राहिम जगह छूट रही, तभी किनारे जगह कम बची है, बीच में आपने जगह बहुत छोड़ी है बच्चे। अब ये आखिरी वाले को लगाने के, चलो कोई बात नहीं, इसमें लगा दो, इनको पूरा दबाइए हाथ से ऐसे करके, अच्छे से गोंद लगाइए पहले, कोई पूरा लगा दीजिए, कोई बात नहीं, आधे में लगा दो, गोंद लगाओ पूरा, लगा है गोंद, शाबाश। अब इसको अच्छे से हाथ से दबाइए, सूखे हाथ वाले, जिसका हाथ सूखा वो दबाओ, जिसके हाथ सूखे हैं अच्छे से दबाइए, गोंद बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए कहीं पर। इब्राहिम तुम्हारे हाथ सूखे हैं तुम उनको अच्छे से दबा दो, अच्छे से दबा दो बिल्कुल, कोई पर नहीं उखड़ना चाहिए, किनारा कोना एकदम। और ये फेविकोल को सब शीशे में डाल दो, वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। अब इसके बाद हम इसका, इसको अच्छे से दबा दो किनारा, अच्छे से दबाओ कोना, ये मैजिक पेंटिंग का है। और यहाँ पर बन रही है इनकी वेस्ट पेपर की चटाई, ये बेटा उल्टा लगा दे, देखो ये लगा दे रहे हैं मैम जी, बार बार चौड़ा वाला लगाओ, अच्छा वाला लगाओ, चीज़ों को सीखो। खाना कब खाओगे आप, पहले खाना खा लो नीचे, हाँ पूरा ऊपर तक उठाओ, तभी तो वो अब अगला लगाओ, अब इनको उठाओ, हाँ लगा लो इनको उठाओ। अब दिखाइए, अब ये जादुई पेंटिंग तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा, और थोड़े दिन बाद मैं दिखेंगे जादू की पेंटिंग। इसको आप देखेंगे कि ये कैसे जादू की पेंटिंग बनती है। अब आप ये थोड़ी देर में ये सूख जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम पंखा बनाते हैं, हम इसको पहले एक बार ऐसे करेंगे, चिपकना नहीं चाहिए, हाँ अभी सुखा देंगे, एक बार ऐसे, फिर एक बार इसको ऐसे पंखे की तरह बिल्कुल बिल्कुल, घर में बनाना। और आप इस तरह बहुत सारी जादू की अलग अलग पेंटिंग बना सकते हैं, एक चित्र पन्ने में आपको दो चित्र दिखाई देंगे, ये हमारी जादू की पेंटिंग आप देखेंगे। अब हम जादू की पेंटिंग दिखा रहे हैं, पहले क्या दिखाई दे रहा है बच्चों,
दिख रहा है दो चित्र अलग अलग, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है मैम? मैम पेड़। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? लड़की। ऐसे स्केल हुआ करते थे जादू के ना? हाँ।